नमस्कार। और हरियाणा सीट मैट्रिक्स कल आया है और फिर से साबित हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं खुद ही हरियाणा से ही फंडामेंटली बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इस तरह खासकर जो सरकारी पोजीशंस पे बैठे होते हैं लोग, वो कहते हैं ना, देसी भाषा में अकल थोड़ी सी घुटनों में होती है। अब देखिए समस्या क्या है, और मैं आपको उसको एक और तरीके से भी समझाऊंगा कि समस्या ये है कि इन लोगों ने ये सीट मैट्रिक्स निकाल दिया, और एज पर देयर ओरिजिनल ब्रोशर इनका मान कहना है कि राउंड चार तक आते आते कोई रिजर्वेशन नहीं रहता कैटेगरी का, और इसलिए सारी सरकारी सीटें ओपन हो गई, सारी प्राइवेट सीटें मैनेजमेंट हो गई। अब दिक्कत क्या है, पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ इसी साल के, और फिर मैं जो मैंने शुरू बात की कैसे हरियाणा तो हरियाणा ही है, और मेरा एक्चुअली बेचारा एक क्लाइंट है जो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा है, और मैंने उसको बोला है कल सुबह रोहतक पहुँचिए, केस कीजिए जैसा कि कर्नाटका में हुआ है। और उसको तो मैं दो बार समझा चुका, ये वीडियो समझ लीजिए आप, मैं उन आपके अलावा उसके लिए बना रहा हूँ कि तो मेरे पास तो समय नहीं है उनके साथ जाने का रोहतक, पर आप जाइए, और क्योंकि एक सरकारी सीट का खतरा है। देखिए रूल बिल्कुल ठीक है, रूल ये है कि राउंड तीन स्टार्ट हुआ, राउंड तीन स्टार्ट हुआ, कोई भी कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी, कुछ एनआरआई सीटें थी, कुछ जनरल सीटें थी। पहले डीम्ड से समझाता हूँ मैं, एनआरआई सीट थी 20, एप्लीकेशन ही 14 आई, बाकी 6 सीटें जनरल बन गई, पर जो 14 एप्लीकेशन आई थी वो 14 सीटें एलोकेट कर दी गई एनआरआई को। अब लेट्स से उन 14 में से थर्ड राउंड में भी अप्लाई करके दो लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। अब ये दो सीटें थी जो एनआरआई वाली थी, जो एनआरआई एलोकेट हुई थी राउंड 3 में, जब वो चौथे राउंड में आएंगी तो वो दो सीटें भी फिर एनआरआई बन के आएंगी कैसे, और ये देखते हैं एमसीसी का जो क्लियर मैट्रिक्स आया है। और जब एमसीसी में अब डीम की सीटें देख रहे हो, तो आपने कई बार सोचा होगा कि अमृता फरीदाबाद में एनआरआई की एक खाली कैसे आ गई, मुलाना की कैसे आ गई, या ये बीएलडी की एक कैसे आ गई एनआरआई की, राइट? ये एनआरआई की तीन आ गई जेएसएस मैसूरू में, तो इसका लॉजिक आप समझे। एमसीसी फिर भी एक समझदार बॉडी है कि राउंड 3 में जेएसएस के एनआरआई एलोकेट हुई, उन लोगों ने अप्लाई नहीं करा, मतलब ज्वाइन नहीं करा, जो बच गई थी एनआरआई वो राउंड 3 के दौरान कन्वर्ट हो गई जनरल में, जो मैं पहले आपको एक बार समझा चुका। इसी तरह आप कैटेगरी में यही होता है कि जो पीडब्ल्यूडी थी इट वाज सपोज्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू एससीएसटी। अब हमने चेक करा है, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, कि भाई थर्ड राउंड में सीट मैट्रिक्स जो आया था राउंड 3 का, चलो फिर भी दिखाते हैं कि कैसे मेरा ये बेचारा बच्चा फंस रहा है। ये राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स था जिसमें बीसीए की, देखिए फिजिकल हैंडीकैप में, चार सीटें थी सरकारी में, चार, 1, 2, 3 और एक नीचे, चार, चार सरकारी में थी और दो सीटें थी नॉर्मल, एक शहीद हसन में और एक अग्रसेन अग्रवा में, तो अग्रवा को प्रैक्टिकल पर सरकारी मानिए। 6 BCA की सीटें थी, 4 PWD, 2 BCA, सिर्फ दो सीटें ही एलोकेट की गई। और अब सीधा ही पीडब्ल्यूडी को, या मैं ये भी मानता हूँ कि पीडब्ल्यूडी को कन्वर्ट कर दिया होगा बीसीए में, हमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो राउंड 3 में लोगों ने रिपोर्ट करा था वो तो पूरे लोगों ने रिपोर्ट करा नहीं, जो यहां से पता चल रहा था, ऊपर से पता चलता है ना कि बीसीए ने तो एक भी रिपोर्ट नहीं करा था, ऊपर देखिए नंबरों से। अब पता नहीं इन्होंने क्या करा है, बीसीए की सीट को कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल सीट में। अब वो बेचारे की सरकारी सीट जाने वाली है, और बहुत ही जेनुअनली बीसीए गरीब इंसान है, जेनुअनली जिसे बोलते हैं जो ओबीसी होते हैं, जिनका एक्चुअल इनकम 5 लाख रुपए साल की है, शायद 4 लाख रुपए साल की है, बहुत छोटी जॉब करता है फादर, बहुत प्यारा इंसान है, मैं नाम नहीं ख्याल यहाँ पर लूंगा, और बड़ी मेहनती इंसान है, बच्ची ने बहुत मेहनत करी है, वो राउंड 2 में तो जिसे बोलते हैं सिर्फ एक बच्चे से रह गई थी, उसके एक बच्चे या दो बच्चे ऊपर अलॉटमेंट हो दिया, शायद आप देख के ढूंढ ही लेंगे बच्चे को, सिर्फ एक बच्चा नीचे रह गया था जिसको अलॉटमेंट हुआ था राउंड 2 में। 3 में इन्होंने पता नहीं क्या खेल खेला, और 4 में आके इन्होंने सीट को कन्वर्ट कर दिया। अरे भाई, तो वो क्या लॉजिक का कहते हैं, सर हमारे राउंड 4 में सब कुछ ओपन हो जाता है। अरे भैया हो जाता है, लॉजिक समझो। तो राउंड 3 में एक बीसीए ने सीट अलोकेट कराई, पर वो रिपोर्ट नहीं करता। अभी जो नया एनएमसी का ऐसा रूल आया कि राउंड 3 तक भी अलाउड था अपग्रेडेशन, फलाना ढिमकाना, ऑल इंडिया कोटा में भी, स्टेट्स में भी, खासकर हरियाणा उत्तराखंड वगैरह में जो कर रहे थे लोग, तो 2-4 BCA के बच्चों ने क्या करा, ऑल इंडिया कोटा से भी सीट ले रखी थी, हरियाणा में भी सीट ले ली, राउंड 3 तक वेट करते रहे, और राउंड 3 में हरियाणा में लोग जो रिपोर्ट नहीं करा, सीट छोड़ दी गई है, सीट खराब कर दी है। तो ऐसे सीट जो खराब हो रही है ना, वो पहले राउंड 4 में बीसीए को मिलनी चाहिए। राउंड 4 में अगर बीसीए आपको ना मिले तो आप दूसरे को दो ना,
तो मैंने कहा सरकारी में भी, ये मैंने आपको समझा दिया डीम से, आइए मैं आपको समझाता हूँ सरकारी से भी, क्योंकि तो मैंने कहा ना एमसीसी एक समझदार बॉडी है। एमसीसी में अगर पीडब्ल्यूडी की सीटें कन्वर्ट हुई हैं तो अभी भी देखिए ना कितनी सारी बीपीएच की सीटें अभी बची हुई है ना, क्योंकि सीट कैसे बची होगी जब ये राउंड 3 में तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए था इसको नॉर्मल बीसी सीट में, क्योंकि किसी तो फिजिकल हैंडीकैप वाले ने सीट अलोकेट कराई राउंड 3 में और रिपोर्ट नहीं करा, तब ये सीटें यहाँ पर आई हैं राइट। और बाकी सारी कैटेगरी की भी अभी तक सारी सीटें हैं ही ना ओपन में, एससी एसटी एसटी, किसी को तो आपने नॉर्मल नहीं बनाया। अब राउंड 4 में बनाएंगे नॉर्मली ऑनलाइन, बशर्ते कोई बीसी एसटी एससी ना आए, कोई एसटी ज्वाइन जो है होने नहीं वाला ऐसा, बट लेट से किसी एसटी ने फॉर्म ही नहीं भरा, किसी एससी ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो आप जनरल में डालोगे ना। बट पहले तो आप बीसी की सीट बीसी को दे रहे हो, एसटी की एसटी को दे रहे हो, क्योंकि ये सब वो लोग थे जो राउंड 3 में सीटें मिली होंगी ना, क्योंकि राउंड 3 में तो 100% अलॉटमेंट हुई थी, लोगों ने रिपोर्ट नहीं करा। तो क्या राउंड 4 में आपने सारी कैटेगरी कन्वर्ट कर दी? नहीं, पहले आप इनको मौका दोगे ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी सीटों पे अलॉटमेंट हुई थी बीसी में एससी में एसटी में, पर फिर उसके बाद रिपोर्टिंग नहीं हुई। यही उस बेचारे हरियाणा के साथ हो रहा है, लेकिन बस फर्क ये है कि हरियाणा वाले पे फिर से बड़ा मुझे गुस्सा आया हुआ आज, क्योंकि बेचारा बहुत शरीफ इंसान है, अच्छा इंसान है, कि हरियाणा वाले तो वही बात है ना अकल घुटनों में, कि पता नहीं क्या सोच के सब कुछ डायरेक्ट ओपन कर दिया है। तो मैंने भाई को बताया मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं उसके साथ रोहतक चलता, रोहतक पहुंचो सुबह 9 बजे, और कोई ये वीडियो सुन रहा है इसको प्लीज लाइक शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि जैसे ये हमारे इंसान सफर कर रहा है, मेरे को डाउट है कम से कम 3-4 बच्चे और सफर कर रहे हैं, बीसी कैटेगरी वाले एससी कैटेगरी वाले, ये जो सारी सीटें हैं 5, 2, 7, 10, 15 में से कम, और 15 और 5, 20, 20 में से कम 6-7 सीटें ऐसी हैं जो कैटेगरी वालों की होनी चाहिए थी और वो जनरल में कन्वर्ट हो गई हैं। तो तुरंत पहुंचिए आप सब लोग, और ये वीडियो मैं तो कहूँ जो मेरे जनरल कैटेगरी के भी श्रोता हैं कि प्लीज़ उस इन लोगों की मदद कीजिए, इनका हक बनता है सीट लेने में। भाई कहता हूँ ना कि मैं खुल के कहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं एक एससी या एसटी को रिजर्वेशन होते हुए देखता हूँ जिसका फादर मुझसे मिलने ऑडी या बीएमडब्ल्यू में आता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसान है जिसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, ये बेचारे बहुत पुराने स्कूटर पे आता है, उसी बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, चौथा ड्रॉप है, और उसका हक बनता है, उसका राइट बनता है कि उसको सरकारी सीट मिले, ठीक है ना। बहुत मेहनत की है बच्चे ने, और सिर्फ एक हरियाणा वालों की बेवकूफ़ी की वजह से सीट चली जाए, या बैल बुद्धि की वजह से सीट चली जाए, या अकल घुटनों में होने की वजह से सीट चली जाए, ये बात ठीक नहीं है। तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी हरियाणा काउंसिल तक पहुँचाया जाए, रोहतक तक पहुँचाया जाए, और मैं उस फादर को मैंने बोला कि कल आप सुबह 9 बजे पहुँच के रोहतक इस वीडियो को चला दो उसके सामने, और बोलो कि इसको तुरंत ठीक करो, और जिस कैटेगरी में जितनी सीटें हैं पहले उनको दो, आप डायरेक्टली सबको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उस बंदे के लिए है, और फिर भी कोई हमारी काउंसलिंग अभी भी लेना चाहता है, आखिरी 5 दिन बचे हैं, आप जानते हैं 9643362320%। पहली बार मैं अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, उन 6-7 तक जरूर पहुँचे जो मेरे इस क्लाइंट की तरह सफ़र कर रहे हैं, जिनकी सरकारी सीट खराब हो रही है, और आप पहुँचिए हरियाणा, और कोई और भी अगर अच्छा इंसान है जिसके दिल में दर्द है और समय है, कल सुबह रोहतक पहुँचिए, और जरा इन गधों को समझाइए कि ऐसे नहीं चलता। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।